हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ में लंच भी बना दूँगी। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ उपमा, और यहाँ पर मैंने सूजी को ले लिया है। इसे पहले ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे और भी थोड़ा रोस्ट करूँगी। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं आपको तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर ना सूजी को जो पहले रोस्ट करूँगी, और मैंने कुछ चॉपिंग कर ली है पहले से ही। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ जस्ट प्याज और अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और धनिया का पत्ता। तो यहाँ पर मैं ना उपमा में टमाटर नहीं डालती हूँ जनरली, क्योंकि मुझे इस तरीके से बनाया हुआ उपमा ही हमारे घर में पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो सूजी है ना थोड़ी सी भून जाए, उसके बाद यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच मैंने घी ले लिया है। और उसके बाद ना ये डालने के बाद भी मैं थोड़ा इसे रोस्ट करूँगी 1 मिनट तक, और सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है जिससे। तो इस तरह भूनने से ना सूजी जो है, सॉरी उपमा जो है ना, वो बहुत खिला खिला बनता है। और उस साइड आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ बेसन का। तो आटा तो मैंने लगा लिया है, गेहूं का भी थोड़ा और थोड़ा बेसन का भी लगाऊंगी आज। तो यहाँ पर जो है रवा हमारा अच्छे से भुन गया है, इसे एक निकाल लेंगे बर्तन में। और इस तरह के स्पैचुला से ना अच्छे से नहीं निकलता है, तो ये गर्म है ना, तो ये एक सिलिकॉन का जो स्पैचुला आता है बहुत ही अच्छा रहता है, और मतलब आपका हाथ का काम करता है ये कह सकते हो आप। तो अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है, आपको हाथ भी यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो बहुत ही हैंडी आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पर सूजी को ले लिया है मैंने बर्तन में अलग से इस तरीके से भून के, और उसके बाद पैन में मैं घी ले रही हूँ। तो उपमा जो है मैं घी में ही बनाती हूँ, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, और इसमें कुछ तड़का डालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल रही हूँ राई के दाने, और थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी। तो बस ये दोनों थोड़ा सा चटक जाए, उसके बाद जो है अदर जो मैंने वेजिटेबल्स कट की है वो, जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन चिली डाल रही हूँ तीखे के लिए, क्योंकि लाल मिर्च वगैरह तो नहीं डालूंगी इसमें, और ये कड़ी पत्ता गया, और उसके बाद ये अदरक थोड़ी सी बस 1/2 इंच जितनी ग्रेट कर ली थी। तो अदरक ज़रूर डालें आप इस तरह के, मतलब अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है उपमा में। और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा डालना है। और उसके बाद जो है ना प्याज को डाल दिया है, और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, बस थोड़ा जो है ना लाइट ब्राउन जितना हो जाए उस तब तक हम इसे भूनेंगे। और उसके बाद जो सूजी है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज भी यहाँ पर अच्छे से भून गया है, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये सूजी जो हमने रोस्ट करी थी, और अच्छे से इसे डाल के मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये भुनी हुई है तो ज़्यादा हमें भूनने की इसे ज़रूरत नहीं है अभी। तो थोड़ा बस चला लेंगे इसमें, और इसमें जो है ना साथ में इस टाइम पर मैं नमक भी डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार, और उसके बाद हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर साइड में है ना गर्म करने के लिए रख दिया है केटल में, और यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं, और नमक डालने के बाद थोड़ा मिक्स करूँगी और जो है पानी को डाल दूँगी इसमें। तो पानी आप कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसमें अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए, ज़्यादा मतलब कैसा चाहिए उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मुझे इतना इनफ लग रहा था पानी एक बार के लिए, तो मैंने उतना डाल दिया है। इसे थोड़ा चला लूँगी मैं, और जो धनिया पत्ता मैंने कट किया है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और नमक इस स्टेज पर मैंने टेस्ट कर लिया है, तो इस पर करने से क्या है ना मिक्स हो जाएगा अच्छे से अभी डालने से। तो बस वो नमक डाल दिया, अगर आप बीच में टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी इच्छा है, मैं ऐसा करती हूँ। तो बस यहाँ पर ना धनिया का पत्ता डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके और ढक करके रख दूँगी एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में ये जो है ना उपमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए उपमा को मैंने खोल दिया है, और इस तरह का टेक्सचर हुआ है इसका, तो हमारे लिए ये ओके है। अगर आपको पतला चाहिए तो थोड़ा आप इसमें गर्म पानी इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्या ना वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसको, क्योंकि जो धनिया का पत्ता है पूरा ऊपर ऊपर हो गया था ना, तो अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, और बस हमारा उपमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो किस किस को आपको उपमा खाना पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा बना है उपमा देखिए। और यहाँ पर ना जैसे मैं बताया था आपको कि आटा लगा दिया है, तो यहाँ पर बेसन का भी लगाया है और गेहूं का भी। तो बेसन का इसलिए लगाया है क्योंकि आज ना ये मूली के पत्ते की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है लोहे की, और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो इस तरह की सब्जियाँ है ना सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो जीरा डाल दिया है यहाँ पर, और तेज़पत्ता, और ये लाल सूखी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी लगती है इसमें, और थोड़ा सा हींग भी डाला था मैंने, और थोड़ी हल्दी डालकर जो है ये मूली का पत्ता मैंने ऐड कर दिया है।
तो इसे थोड़ा सा हिला चला लेंगे और उसके बाद जो है इसमें नमक डाल देंगे और इसे ढक करके कुछ देर के लिए पकाऊंगी। तो कोई कोई इसे ना बॉईल करके भी बनाते हैं, जो मूली के जो डंठल होते हैं ना पत्ते के, वो थोड़ा सीजने में जो है पकने में टाइम लगता है, तो आप इसे पहले बॉईल करके फिर आप सब्जी बना सकते हो, पर हमें ये थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है तो फिर मैं ऐसे बना रही हूँ। सो बस कुछ देर तक ना ढककर पकाया था मैंने, और ये थोड़ा ड्राई ड्राई बना है सब्जी, तो अभी तो हम इसे बेसन की रोटी के साथ खाने वाले हैं, और थोड़ा बच गया था वो मैंने रात को ना प्लेन राइस के साथ खाया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसमें लाल मिर्च और थोड़ा धनिया का पाउडर डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारा उपमा रेडी हो गया है, प्लेटिंग कर दी है मैंने, और यहाँ पर ना कुछ ये नारियल की चटनी रखी थी वो भी मैंने ले लिया है, और साथ में अचार, तो वो केरी का अचार मैंने घर पर ही बनाया था, अभी जो ताज़ी ताज़ी केरियाँ आ रही है ना, तो उसी का अचार उसके साथ में अच्छा लगता है। तो कुछ लोग है इसको कैचअप के साथ भी खाते हैं, तो आपकी इच्छा है। तो बस वहाँ पर ब्रेकफास्ट हो गया था, यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ लंच की, हस्बैंड को पहले बना के दे देती हूँ लंच बैग में। तो गरम तो रोटियाँ हम बाद में ही बनाते हैं मेरे और मेरे बेटे के लिए, तो पहले उनके लिए बना दूंगी। तो एक यहाँ पर मैंने गेहूं का भी फुल्का बना दिया है, तो ये दो एक दूंगी और दो जो है वो बेसन के, तो बस वो ही सेक रही हूँ यहाँ पर मैं। बस ये लास्ट वाली जो रोटी है वो भी मैं सेक लूंगी, और अच्छी तरीके से इस पे भी घी लगा दूंगी, और इसे मैं पैक कर दूंगी हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। तो जो हैंकी आप देख रहे हैं वहाँ पर, उसी में मैं पैक करती हूँ। तो इस तरह की मेरे पास जो हैंकी है ना वो है, तो डेली मैं हैंकी में ही करती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर में जो है ना मैंने बंद कर दिया है पैक करना खाने को। तो यहाँ पर सब्जी मैंने डाल दी है, रोटी भी मैंने पैक कर दिया है, उसके बाद थोड़ा दही यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि जो बेसन की रोटी बनाई है उसके लिए उसके साथ ये दही अच्छा लगता है साथ में, तो दही दे दिया है मैंने यहाँ पर। और थोड़ा जो है ना मिर्च का अचार डालूंगी, और थोड़ा मैंने कच्चा प्याज भी डाल दिया था थोड़ा, तो वो क्या अच्छा लगेगा साथ में खाने में। तो बस ये हो गया यहाँ पर, हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रेडी। सो इसी के साथ मेरा यहाँ पर मॉर्निंग किचन टाइम भी क्लीन कंप्लीट होता है एक बार के लिए तो, और उसके बाद मैं थोड़ा घर का क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और जब लंच टाइम होगा तभी गरम रोटियाँ बनाऊँगी मैं और मेरे बेटे के लिए। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टिक टिक।